ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ये होता है कि कोई परिस्थिति अगर बाहर हो जाए, काबू से बाहर हो जाए, तो उस टाइम पुलिस जो है वो इजाजत मांगती है लाठीचार्ज की या फायरिंग की। उस टाइम वो विचार करके वो देता है, फायरिंग का वो है नहीं है, वो काम है। कमांड देना नहीं, कमांड नहीं दे सकते। तो इस वास्ते सवालिया निशान है। मैंने इसी वास्ते कहा था पहले दिन कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा या रिटायर्ड जज के द्वारा की जाए। तो आज इस प्रकार से सरकार को जिद नहीं करना चाहिए, उनसे बात करके इस बात का बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। आफ्टर ऑल उनकी फीलिंग हर्ट नहीं है, तो ये क्यों जिद्दोजहद से काम करते रहे। चल रहा है सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। इनका जो आंदोलन चल रहा है वो किसान यूनियन, किसान नेता है, किसान संगठन चला रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। उनकी मांग के हक में है सारी राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी है, हम भी हूँ। क्योंकि जो नए कानून बने हैं उनमें किसान मांग रहा है एमएसपी गारंटी। क्योंकि आज एमएसपी भी हरियाणा में मिलना, आप जाके देखो मंडियों में जाके देखो, आप यहाँ दिल्ली में बैठे बात कर रहे हो, वहां एमएसपी भी नहीं मिल रही। तो किसान को तकलीफ है, जो लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो अगर किसान को संतुष्ट किया जाए तो अब केंद्र सरकार से भी यही मैंने कहा कि अब जो है तुरंत जो है वार्तालाप शुरू करे किसानों से। अब ये विचारों से तो भाई समाधान तो ये निकलता है, आदान प्रदान और फिर समाधान जब तो निकलेगा, तो समाधान निकाले और तुरंत बातचीत करके किसानों से। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। मैं रब्ता नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट को उसका विचार करना चाहिए, अब उससे कोई समाधान निकालना तो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। तो सर पेंच कहाँ फंसा है? तीन दौर की बातचीत होती है, तीनों दौर की बातचीत विफल है, किसान और सरकार। करनाल की जो है बात वो दूसरी तीन दौर की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मामला। करनाल प्रशासन के साथ बात बता रहा हूँ। करनाल का हठधर्मी है, नहीं तो बात करके समाधान निकल सकता है। जो उनकी मांग है जायज मांग है, वायरल भी है। और मैं तो जैसे मैंने कहा शुरू में ही, अगर हमारी बात मान लेती है सरकार, जुडिशियल इंक्वायरी कर देते तो कोई बात ही नहीं, दूध का दूध पानी का हो जाता, जो भी कसूरवार है उसको सजा मिल जाती। अब क्या संभावना है जुडिशियल इंक्वायरी की? है कोई संभावना सरकार मानेगी इस बाबत? मैं तो रखी मांग, मैंने तो सरकार।